कभी सपना टूट जाए कभी दिल टूट जाए कभी कोई अपना टूट जाए तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें एनर्जी का न्यूक्लियस बनाया है अगर कभी मन में यह आए कि यहां ये बात अटक गई ये बात नहीं हुई कोई भी लक्ष्य तुम्हारे जीवन से बड़ा नहीं है सबसे बड़ी चीज तुम्हारी खुद की जिंदगी है सबसे पहली चीज तुम्हारी है। मेरे पिताजी भाई साहब एक छोटे से गांव में बहुत गरीब से निम्न मध्यम वर्ग के परिवार में मेरे पिताजी ने जन्म लिया उस गांव के वो पहले ग्रेजुएट पहले पोस्ट ग्रेजुएट पहले पीएचडी पहले प्रोफेसर दसवीं करके वहां बीज इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने वाले लोग आए एक बीज इंस्पेक्टर तुम तो जानते भी नहीं हो सीड इंस्पेक्टर होता है गाँव में वो सीड की क्वालिटी चेक करता है लोअर डिविजन क्लर्क से भी नीचे का काम होता है वो सबसे मेधावी बच्चे थे गाँव से चार बच्चे सेलेक्ट हुए उनमें से तीन को नौकरी मिल गई और मेरे पिताजी को नहीं मिली और मेरे पिताजी बड़े परेशान हुए कि बताइए ग्यारहवीं में ही कमाने लायक हो जाता लेकिन फिर वो प्रोफेसर हुए आज हमारा सबसे बड़ा भाई इंजीनियर है एक वाइस चांसलर है एक मैं हूं सब लोग अपनी अपनी जगहों पर हैं अगर उस अपॉर्चुनिटी के छुटने पर मेरे पिताजी ने जिंदगी की लड़ाई हार दी होती तो आज ना हिंदुस्तान को कुमार विश्वास मिलता ना हमें इस परिवार का सहयोग मिलता आज संयोग से कलाम साहब का दिन भी है हम उन्हें भी याद कर रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके दर्शन के और सत्संग का अवसर मिला वो भी आपको पता है कि एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए थे और उसके बाद जब उन्होंने पूछा शिवानंद स्वामी से कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ तो शिवानंद स्वामी ने कहा कि तुझे जहाज उड़ाने के लिए नहीं भेजा ईश्वर ने तुझे किसी बड़े काम के लिए भेजा है और आज पूरी दुनिया में मिसाइल लॉन्चिंग में हम सबसे नंबर वन है पूरी दुनिया की मिसाइल हम उड़ाते हैं तो खूब मेहनत करो खूब पढ़ो आई टी आई आई टी आरईसी कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा एक परसेंट अगर ऐसा लग रहा है कोई चीज नहीं हो रही है मेहनत में कमी नहीं करनी है लेकिन तुम्हारे मां बाप का सबसे बड़ा सपना क्या था और क्या है जिनके माता पिता हैं या जिनके माता पिता नहीं है उनका सबसे बड़ा सपना क्या था मेरी बेटी से मैंने एक दिन पूछा वो बाहर पढ़ी है और आप अपना आप काम करती है अपनी एक इंडस्ट्री चलाती है मुझे इतना अच्छा लगा उसका जवाब मैंने उससे पूछा कि बेटा लाइफ में तू क्या करना चाहती है सोचो इसका क्या जवाब हो सकता है उसने मुझसे कहा मैं खुश रहना चाहती हूं कितनी सुंदर बात है तुमसे कोई भी पूछे कि तुम क्या बनना चाहते हो इंजीनियर बनना बाई प्रोडक्ट है पहला प्रोडक्ट है अच्छा मनुष्य बनना अच्छा समाज का व्यक्ति बनना आप अच्छी बेटियां बने अच्छे बेटे बने अच्छे नागरिक बने आज मुझे जब किताब दी लीजेंड ऑफ एलिन इसका क्या मतलब है वो जब बच्चा आया होगा इस संस्थान में जिसका उस पर फोटो है वो तुम्हारे जैसे ही रहा होगा तुम में से एक ऐसा बच्चा ऐसी बेटी ऐसा बच्चा रहा होगा किसी का भी इनमें से किसी को नहीं पता आज मैं यहां घोषित कर रहा हूं यहां मैं पढ़ रहा हूं मुझे नहीं पता कि आज मैं पचास इक्यावन बावन साल का हो गया पच्चीस साल बाद जब मेरा पिछहत्तरवां साल मना रहा होगा तुम में से कोई देश का राष्ट्रपति होगा कोई प्रधानमंत्री होगा कोई दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट होगा ये अलग भट्टी में ढल के लोग नहीं आते ये अलग खांचे में नहीं आते इस देश को औद्योगिक घरानों के बेटे बेटियां नहीं चलाते इस देश को तुम और हम चलाते हैं जो मास्टरों के क्लर्कों के किसानों के बच्चे हैं। <प्राँगा> मेरा नहीं हुआ था आईआईटी में एक रुपए का फार्म भरा था मैंने कैलकुलस कमजोर थी और ऑर्गेनिक कमजोर थी नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं मैंने 170 का फार्म भरा था आज की रेट पे मैं आईआईटी से एक करोड़ वसूल कर चुका हूं पूरे देश के आई से मेरे ऑफिस के लोग पूछते हैं और मैं अतुल कनक बैठे हैं देश के सब महत्वपूर्ण साहित्यकारों मैं। में मैंने अतुल भाई से भी कई बार कहा और आज अच्छा हुआ कि मेरी भैया से बात हुई कि हम मैं आज यहां से घोषणा करता हूँ और बताता हूं कि हमारी बात हुई है बीच में कैसे भाई हैं जो हमारे भी भाई हैं और आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं आप लोग टेक्नोक्रेट बने इस पर ये लोग मेहनत करेंगे आप लोग मनुष्य बने इस पर मैं मेहनत करूंगा अलीन के साथ में मैं जापान गया पहली बार 2007-8 में तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे देश में मॉल यहां भी खुल गई है अब तो कोटा में भी मॉल खुल गई है तो पूरे देश में स्टेशन पर कहीं भी जो एक्सिलेटर्स एक्सीटर्स हैं उनमें सभी लोग सीधे हाथ की तरफ खड़े हुए एक के पीछे तो मैंने पूछा इसका कोई नियम है क्या बोले नहीं नियम नहीं है ऐसे ही वहां की जो ट्रेन थी उनमें लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे लेफ्ट हैंड की तरफ सीधे हाथ से लोग उतर रहे थे जब आखिरी आदमी बाहर निकल जाता था तब हम घुसते थे आपने देखी होंगी दिल्ली की ट्रेन आपने देखी होंगी बॉम्बे की ट्रेन हमने 75 फाइव ईयर्स में नेशनैलिटी क्या बनाई है और बच्चों ये सरकारें नहीं बनाती एक बात ध्यान रखना सिकंदर और चंद्रगुप्त तो मर जाते हैं लेकिन अरस्तु और चाणक्य कभी नहीं मरते वो सदा जिंदा रहते हैं वो सदा रहते हैं तो ये सब अरस्तु हैं ये सब चाणक्य है इनका काम है तुम में से सिकंदर निकालना इसलिए एलिन के जितने बच्चे यहाँ हैं मैं जानता हूँ कि आप सोशल मीडिया पर कम रहते हैं और रहना भी कम चाहिए इसका भी उपवास करना चाहिए है ना इंस्टा का ट्विटर का फेसबुक का उपवास करना चाहिए आपके कैंपस में तो ये सब व्यवस्था है ही लेकिन मैं इस परिवार का एक स्व अधिग्रहित सदस्य हूं मैंने खुद को खुद ही सम्मिलित कर लिया इन चारों भाइयों के साथ तो मैं आपको यह कहता हूं कि जीवन में कभी भी अंधेरा घिरे कभी भी ऐसा लगे है ना तो मेरा फेसबुक पे पेज है मुझे मैसेज करना मेरा ऑफिस मुझे मार्क करके देता है नहीं तो खुद से बात करना जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला ये सब छोटे लक्ष्य हैं इन्हें तो कर ही लोगे ये आई वाईटी वाई बहुत छोटे लक्ष्य बेटा पूरा समर्पण कर दोगे पूरी मेहनत कर दोगे तो कर ही लोगे आइंस्टाइन तक का दिमाग सिक्स परसेंट यूज हुआ 94 परसेंट तो यूज ही नहीं हुआ तो अगर तुम थोड़ा सा लगाओगे थोड़ी सी मेहनत करोगे एकाग्र रहोगे लक्ष्य पे तो काम कर ही दोगे लेकिन बैकड्रॉप में जो बड़ा कैनवस है आई बनना एक पेंटिंग है लेकिन मनुष्य होना एक कैनवस है बी ए गुड ह्यूमन बींग आपके होने से आपके होने से आपका परिवार आपका इंस्टीट्यूट आपका अगर जिस बच्चे के साथ तुम रहते हो जिस दो लड़कियां जो एक रूम में रहती हैं चार बच्चे जो एक रूम में रहती हैं अगर बची हुई तीन बच्चियां बचे हुए दो लड़के जो लड़के रहते हैं अगर वो तुम्हारे होने से खुश नहीं है तो तुम्हारा आई होना भी बेकार है तुम्हारी कोई सफलता अच्छी नहीं है तुम्हारे होने से लोग खुश हों तुम्हारे होने से देखो बेटा कोई भी चीज जब टूटती है तो उसमें से एनर्जी निकलती है सर बताते हैं ना एक बताया गया ना हमको भी यही पढ़ा गया जो तुम कर रहे हो मैंने सब करा है है ना ये तुमने तुमने तो मैंने तो 11 पुरा -पुरा याद कर दिया था कि पूरी याद कर दो, है मैंने कहा बड़ा तंग करेगी इसे आगे से पीछे और ऊपर से नीचे याद कर लो पहला काम यही होता था कि वो पीछे की कॉपी पे खींच के बना देनी पूरी याद कर लेते थे कोई भी चीज टूटती है तो उसमें एनर्जी निकलती है कभी सपना टूट जाए कभी दिल टूट जाए कभी कोई अपना टूट जाए तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें एनर्जी का न्यूक्लियस बनाया है अब ये तुम पर है कि एनर्जी टूटे तो कोई बम बना लेता है और कोई बिजली बना लेता है जो निगेटिव लोग हैं वो बम बना लेते हैं मेरी खुद की लाइन से मैं खत्म करता हूं कि हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा एक घर से निकाला हुआ लड़का जिसके पास केवल एक वलकल था एक कपड़ा था पत्नी थी और भाई था पैरों में चप्पल नहीं थे उसने सात बार दुनिया जीते हुए रावण को घर जाके पटक के मारा अनस्किल्ड फोर्स फोर्स को लेके रावण की फोर्स तो स्किल्ड फोर्स थी देवासुर संग्राम में देवताओं के चक्के छोड़ा दिए थे लेकिन घर में घुस के मारा ये जो कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं सच्चा हूं अगर मैंने मेहनत की है तो रिजल्ट निकलेगा मैं सुनाता हूं आपको लाइन के हिम्मत का सागर लाघो तो लहर लहर जयकारा होगा और दिल टूटे या एटम टूटे दुनिया में उजियारा होगा तो अगर कभी भी दिल टूटे अगर कभी भी मन परेशान हो तो मान लेना कि भगवान ने तुम्हारा न्यूक्लियस चुन लिया यू आर द लकीस्ट वन अब काम होने वाला है अब तुम करने वाले हो और आत्मविश्वास इतना रखना कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी रैंकिंग आई सौवीं आई एक हजारवीं आई कोई फर्क नहीं पड़ता जब जटायु के घाव पूछ रहे थे राम तो राम ने पूछा कि चाचा आप मेरे पिताजी के दोस्त रहे हो मैं आपको स्वस्थ करा दूं मतलब हॉस्पिटल ले चलूं जटायु ने कहा कि नहीं बेटा अब मेरे मरने का समय आ गया जटायु फाइटर प्लेन चलाते थे ये जो गिद्ध विद्ध का मामला है ना ऐसा नहीं था वो फाइटर प्लेन चलाते थे उस जमाने में टेक्नोलॉजी थी कि दूसरे के प्लेन में क्या हो रहा है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते थे तो उन्होंने देखा कि उस प्लेन में जो ऊपर जा रहा है सबसे बड़ा एयरफोर्स वन उसमें एक सीता का अपहरण हो रहा है ये एयरफोर्स वन शांति की सीता का अपहरण आज नहीं कर रहा पहले से करता है ये अब थोड़ा दूर रहता है न्यूयॉर्क रहता है पहले लंका में रहता था तो उसने देख लिया कि इसमें एक महिला का अपहरण हो रहा है उसका वॉइस सैंपल उसने डेटा में डाला तो वॉइस सैंपल डेटा में डाला तो सीता से मैच किया तभी उसने कहा कि आपकी पत्नी का अपहरण हुआ है साइंस है सब पूरा साइंस है तो उन्होंने कहा कि मैं आपका इलाज कर दूं तो उन्होंने कहा नहीं बेटा अब तो मेरा समय आ गया अब मैं जाऊंगा तो जटायु ने पूछा कि बेटा जब मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम्हारे पिता मिलेंगे दशरथ मिलेंगे मेरे दोस्त मैं उनसे क्या कहूं अब एक लड़का जो घर से निर्वासित है वनवास में है उसकी पत्नी का अपहरण रावण करके ले गया और वो अभी युद्ध करने के लिए जा रहा है सेना बनाएगा बेचारा वो क्या बोले रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं इसे राम बनना कहते हैं ऐसे बनो वो कहते आप मत कहना चाचा जी पापा से जाके आप कुछ मत कहना जो मैं राम अगर मैं उनका लड़का हूं तो कुल सहित खानदान सहित कहे दशानन आए रावण खुद ऊपर आके बताएगा कि क्या कर दिया था उसने इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस आप मत बताना पापा को तो कभी पापा फोन करें मम्मी फोन करें या परिवार का कोई फोन करे सर पूछे तो यही कहना कि सर चिंता मत करो जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन बता दूंगा क्या मेहनत कर रहा हूं कैसा पढ़ रहा हूं क्या काम कर रहा हूं उस दिन पता चल जाएगा और अगर द वे कोई परीक्षा की कमन ना छूटे तो जिंदगी की आखिरी परीक्षा थोड़ी है जब भी कोई पूछे तो मेरा बता देना मेरा नहीं हुआ क्या फर्क पड़ा जो कर रहे हैं मैंने एक रास्ता चुना आप अपना रास्ता चुनेंगे और आप बेहतर करेंगे दुनिया परीक्षाओं के हथौड़ों से नहीं गढ़ी जाती प्रतिभाओं की सोच से गढ़ी जाती है क्या प्रतिभा कैसे तो आज तो कार्यक्रम है मेरा तो मन था कि मैं आप लोगों से मिलूं विशेष रूप से एलिन परिवार ने आपको अपना बच्चा अपनी बेटी अपना बेटा समझ के गलेजे से लगाया है और यही खूबसूरती है व्यवसाय तो बहुत लोग करते हैं पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं हर फूल वही माना जाता है जो आसमान में सुगंध और पृथ्वी में बीज छोड़ के चला जाए सुगंध तो इनकी फैल ही रही है और बीज आप लोग हो जिससे बड़े वृक्ष बनेंगे मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया तुम्हारी और मेरी दासता में फर्क इतना है मुझे मरना नहीं आया तुम्हें जीना नहीं आया बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद मुझे मरना नहीं आया तुम्हें जीना नहीं आया